शाह सुलेमान कोसवी का किस्सा सुनाया जाता है ना कि शाह सुलेमान कोसवी तशरीफ लाए और यही हाजिरी थी जहां हम और आप बैठते हैं। हमारी और आपकी खुशनसीबी, गलत बात है कि उस दौर में मकराना नहीं लगा होगा मगर जमीन तो यही थी, जमीन तो यही थी ना। जिस जमीन का हिस्सा उनके आने की गवाही देगा उसी जमीन का हिस्सा तो हमारे भी आने की गवाही देगा। ये तो खुशनसीबी हमारी और आपकी। बात को खत्म करता हूं चूंकि घड़ी बड़ी तेजी के साथ अपने वक्त को आगे ले चल रही। अर्ज ये कर रहा था हजरत सरकार शाह सुलेमान कोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां तशरीफ फरमा हुए, फकीर पास में बैठा जेब में हाथ डाला कि लो इस फकीर को कुछ दे दो। तो जो है आपकी जब हाथ डाला तो जेब में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सोचा यार आया था तो रखा था मगर कहां चला गया। वहां से उठे जेब में हाथ डाला तो पैसे मौजूद थे, फिर वहां पहुंचे कि लो फकीर को दे दो। जेब से हाथ निकाल कर वहां पहुंचे, जब फकीर के पास पहुंचे फिर जेब में हाथ डाला तो पैसे गायब हो गए। यार अभी तो पैसे थे फिर चले गए, फिर चले गए, ये क्या माजरा है। अब ऐसे को समझ में आने वाली बात नहीं। अब हम लोगों का दौर क्यों था नहीं है जो अपने कयास से सब कुछ फतवे भी दे दो नतीजे भी निकाल लो सारा सब कुछ मामला हम तो खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, खुद ही फैसला हो जाते हैं। है मगर फकीर को दे नहीं पा रहा, पैसे जेब में है मगर फकीर को दे नहीं पा रहा। बड़ी खुशनसीबी है कि आपको मिल रहा है मगर देखे साहब भाई पैसे जेब में है मगर दे नहीं पा रहा हूं, देखे देता कौन है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी तो सिर्फ बहाना है सब खुदा देता है। सुनिए सरकार शाह सुलेमान कोसवी अली रहमान ने पूछा रूहे सरकार सूफी से, हुजूर दे क्यों नहीं पा रहा। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तारिक उस्संतरत सुल्तान तारिकीन सरकार सूफी हमीदुद्दीन फरमाते हैं ऐ सुलेमान कोसवी तेरा मकाम अपनी जगह है मगर सुन सूफी हमीदुद्दीन अपने फकीरों के लिए खुद काफी है, तुझे इमदाद की जरूरत नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देखें।